हैं। नहाना था सुबह मतलब सं थ साथ साथ अपनी रेमेडी बना ले दिख थी मेरी यूट चैनल है, आप लोग देख सकते हैं। जो मैंने एलोवेरा जेल और प्याज वगेरा डाल के और शैम्पू डाल बनाया था न लॉन्ग हेयर के लिए ये वो रेमेडी है तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ स्टिल और इसके साथ ना बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो गया तो जब भी मैंने नहाना होता है ना मतलब एक दो दिन के बाद तो वीक में एक बार मैं लाजमी इसको जो है ना लगा लेती हूँ तो ये था कि मुझे लगाए हुआ है तकरीबन एक से वीक से ज़्यादा हो गया हुआ था तो मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं फिर से तो ये मैंने जल्दी से बनाई फिर इसको सर लगाया इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर लिया था पुड़ी जो आपको रेमेडी है ना वो मिलेगी मेरे चैनल पर आप चेक कर सकते हैं तो फिर मैंने इसको यूज़ किया उसको लगाने के बाद एक घंटा मैं घर के काम वाम करती थी मतलब के बर्तन धोने थे जाने से पहले और अम्मी की तरफ़ जाने से पहले ना मतलब घर के काम वगैरह सारे समेट लेती हूँ ताकि पीछे से हस्बैंड रोते हैं तो फिर वो मतलब माइंड करते हैं तो फिर मेरा हम रेडी हो गए थे नहा के मैं रेडी हो गई थी बच्चों को मैंने चायबा करानी दे दी थी और ये वाली रिक्शा लेके आया था मुझे इतनी हंसी आ रही थी और वली रिक्शा लेकर आया था ऐसे बंद जेल जैसे रिक्शा था मुझे उसे लग रहा था मुझे मैनू जेल हो गई है <laughs> तो इसी तरह का ना अजीब सा रिक्शा ले आया था और मैंने औरेंज सूट पहना हुआ था काश मैं आपको दिखा सकती पर मेरा बड़ा दिल करता है कि मतलब मैं भी ना थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पे आप लोगों को अब अपनी चीज़ें अपने कपड़े और आ, मतलब शेयरिंग किया करूँ आप लोगों के साथ चलो इन श्ला आहिस्ता आहिस्ता ना अभी मुझे थोड़ी सी झिझक है तो इस वजह से मैं मतलब सामने नहीं आ सकती हूँ चले हैर पाबंदी तो मुझे किसी की तरफ से भी नहीं है हस्बैंड की तरफ से नहीं है उनसे मैंने पूछ लिया था उन्होंने बोला था नो प्रॉब्लम लेकिन बट मुझे अपनी तरफ से एक झिझक सी है तो फिर मैं नहीं करती हूँ इस तरह कुछ पीना तो इन थोड़ा थोड़ा करके झिझक खत्म होगी तो हम भी सामने आएंगे ही तो ये हम जा रहे थे मेरी तरफ तो ओबियसली रास्ते में मैं गुजरते गुजरते थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग करती जाती हूँ वहाँ जा तो कैमरा पकड़ने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता क्योंकि मेरी भाभी मुझे लगा देती है खाना पकाने में कि तुम खाना पकाओ ये करो वो करो उधर जाके खाना मैंने नहीं बनाना होता अब भाभी फिर कहती है कि लो अब मैंने ये काम किया वो किया पहले दो भाभियाँ होती थी तो फिर मिल के कर लेते थे अभी मेरे भाई ही नहीं है तो एक ही भाई है अल्लाह उसको ज़िंदगी दे और एक ही भाभी है उस घर में तो बस फिर इसी तरह हम जाते हैं तो जाके मैं खाना वाना बनाने लग जाती हूँ अम्मी बीमार रहती हैं अम्मी कुछ कर नहीं सकती उनके बाज़ू में दर्द होती है उनका ऑपरेशन हुआ है उनको मतलब कैंसर था और इतने सारे प्रॉब्लम्स थे तो वो नहीं कर सकती कुछ भी चलो खैर इसी तरह बस टाइम पास हो जाता है तो ये हम अम्मी की तरफ़ आ गए थे और रिक्शे का मुझे बड़ा मज़ा आया था और ये मेरा भाई का बेटा और ये पिंजड़े में बंद हो गया और ये मुझे खेल रहा था घुस के तो मैंने वो उसको बोला था मैंने कहा इसकी रिकॉर्डिंग करो देखो कैसे घुसा हुआ पिंजड़े में पिंजड़े में गंद भी काफ़ी था और भाई इसको मना कर रहे थे कि नहीं करो लेकिन वो शरारतों में जब पड़ा हो ना फिर वो किसी की नहीं सुनता और आए आए तो उसको देख देख के ना खुश हो रही थी कि ये मतलब करके आ रहा है और ये हादी साहब हैं और ये भी अपनी कोई बातें बातें सुना रहे हैं अजीब किस्म की, की बातें करता है ये भी और उसके बाद ना हमने मैंने आलू गोश्त चावल बनाए थे खाना खाने के बाद नानो आए हुए थे इतनी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी बस ऐसे ही मैंने खाना बनाया था क्योंकि वो मोबाइल पकड़ने लगती थी तो मैं कहती थी पहले खाना बना ले पहले ये कर ले पहले वो कर ले तो मोबाइल की मतलब पकड़ के रिकॉर्डिंग करने का टाइम ही नहीं मिला तो हम लोग जा रहे थे फिर मॉल ऑफ सियाल को सॉरी हम जा रहे थे इम्तियाज़ मॉल पर तो यहाँ पे जो है ना मतलब कश्यप और मेरी भाभी खड़ी हैं तो ये मैं शान के साथ बैठी हुई थी बाइक पे और बाकी भाई भाभी को और कश्यप को साथ लेके गया हुआ था इस तरह हम सारे बच्चों को लेके तो दो बाइक्स थी हमारे पास तो मॉल जाने का ऐसे प्रोग्राम बन गया बैठे बैठे बच्चे कह रहे थे कि चलो इम्तियाज़ मॉल चलते हैं तो मैंने कहा चले जी ठीक है थोड़ा सा बस आ, लेना तो कुछ था नहीं हाँ इतना भाभी ने अपनी ज्वेलरी वगैरह कुछ लेनी थी तो वो कह रही थी चलो मेरा साथ उनकी शादी है और वहाँ से कपड़े वगैरह कुछ उसने देख रहे थे तो कह रही थी चलो ड्रेसेस मैंने सुने वहाँ पर बच्चों के अच्छे हैं तो वहीं से देख लेते हैं तो मैंने कहा चले चलते हैं फिर उधर निकल गए थे हम लोग अम्मी लोगों के घर के पास से नज़दीक है मॉल तो हमारे अगर मैं डायरेक्ट अपने घर से जाऊँ ना तो मुझे ज़्यादा दूर लगा था हम गाड़ी पर गए थे लास्ट टाइम तो मुझे दूर लगा था लेकिन अभी तो मुझे लगा था कि हम चटपट ही पहुँच गए हैं तो ये हम पहुंच गए थे वहाँ जाके ना आपको पता है कि मोबाइल नहीं वहाँ पे यूज़ करने देते वीडियोस वगैरह बनाने के लिए नहीं बोलते तो मैंने कश्यप को मोबाइल पर था मैंने कहा थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करना है तो उसने सबके सामने से मोबाइल निकाला तो उसको ना एक सिक्योरिटी वाले ने बोला था कि आप मोबाइल नहीं यूज़ करो तो मैंने फिर उसको बोल दिया था मैंने कहा ना यूज़ करो छोड़ दो मोबाइल को मुझे दे दो उससे फिर जितनी जितनी थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग हुई मैंने की भी भाई ने कपड़े लेने थे वो मुझे कहता छोड़ो एक तो इनको इन सबको ना मेरे मोबाइल से खुदा वास्ते का बैर है ये कहते हैं मोबाइल छोड़ो हमारी बात सुनो मोबाइल छोड़ो हमारी बात सुनो तो फिर मैंने मोबाइल को बंद ही करके बैग में ही रख लिया था भाई था भाई ने मुझे तीन बार ना लास्ट में बोला बस कर दे मोबाइल दे दो बस कर दो मोबाइल रख दो कि मतलब रिकॉर्डिंग नहीं करो तो उसको ये था कि ये अगर रिकॉर्डिंग में लगी रहेगी तो ये हमारी कोई बात नहीं सुनेगी और हम तो शॉपिंग करने आए हैं तो ये इधर उधर देख रही है और रिकॉर्डिंग कर रही है तो मैं मतलब लगी हुई थी बच्चों के कपड़े वगैरह मेरा था कि थोड़ा सा मैं आपको भी दिखा दूँ खैर सभी जाते हैं लेकिन जो नहीं जाते जो जो दूसरे शहर में रहते हैं सिटीज़ में रहते हैं उनके लिए चलो मैंने कहा था कि चलो रिकॉर्डिंग कर लेंगे लेकिन भाई ने नहीं करने दी है पैंट्स वगैरह लगी हुई थी कुछ इस तरह की चीज़ें थी भाभी देख रही थी बच्चों के लिए एक्सपेंसिव कपड़े हैं इनके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, है बाज़ार के मुकाबले में लेकिन कपड़े अच्छे हैं क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे ब्रांड ब्रांड है इनके पास और सारे हर किस्म के और अच्छी चीज़ें हैं इनके पास मुझे अच्छी लगी थी इनकी चीज़ें लास्ट टाइम कश्यप ने यहाँ से बैग लिया था और वो अभी तक वैसे का वैसे ही है फिफ्टीन हंड्रेड का आई थिंक लिया था उसने वैसे का वैसा ही है तो भाभी भी ना बैग वगैरह चेक कर रही थी इस तरह चीज़ें और वो साथ साथ अपने बच्चों को डांट रही थी क्योंकि उसके बच्चे जो है ना चीज़ें लेके ऐसे ऐसे घूम रहे थे और इस तरह से बस थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हुई थी और उसके बाद फिर जो है ना हम लोग बैग वगैरह देख के और चीज़ें देख के कपड़े वपड़े जो भी इन्होंने बाय करना था किया था उधर से और जुलरी ली थी भाभी ने आई थिंक कुछ चूड़ियाँ वगैरह ली थी फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की थी फिर हम लोग घर आ गए थे इतना ज़्यादा रश था उधर जी व्यूज़ ये देखे हैं स्टोर पर गए हुए थे इम्तियाज़ मॉल पर हम लोग तो ये शॉपिंग करके आए हैं सारी ये केक्स लिए थे वहाँ से बेकरी आइटम्स वहाँ के अच्छे हैं तो बच्चों ने कुछ बेकरी आइटम्स ले लिए थे ये केक रस हैं और ये रस हैं ये ब्रेड है इस तरह से बस हैं बच्चों के लिए ये चोको लिया है मैंने बिल्स चोको बिल्स है ये इसलिए लिया है कि बच्चे जो है ना सुबह स्कूल जाते हैं तो ऐसे ही चले जाते हैं तो मैंने कहा चलो बच्चे खा के जाया करेंगे कुछ जैम वो नहीं खाते नहीं हैं हेज़ल नट वाला लिया था मिल्की भी था लेकिन ये ले लिया था हमने पहले हेज़ल नट वाला तो ये नूडल्स लिए थे कच्चों ने अपने लिए ये चॉकलेट्स ली थी आयत ने देखने पूरा अपना नाम भी लिख लिया पेन से दो ली थी एक वली ने अपनी ली थी एक आयत ने ली थी काफ़ी बड़ी चॉकलेट है अच्छी है और रीजनेबल प्राइस में मिल गई थी वन ट्वेंटी की आयत में मिली थी और ये लिया था हमने पॉपकॉर्न लिए थे ये पूरा पैकेट भरा हुआ था तो ये बच्चों ने खोल के तो ऐसे थोड़े से गिरा दिए हैं तो ये लिए थे पॉपकॉर्न वहाँ से और ये वली का मैंने जूता लिया था घर पर पहनने के लिए आम सा ना और इस तरह बस करके थोड़ी सी शॉपिंग की टाइम हमें काफ़ी लग गया और ये वली की शर्ट ली थी ये शर्ट ली वली की वाइट कलर में ये भी मुझे पसंद आ गई थी बस यूं ही शॉपिंग का इरादा नहीं था बस बंदा जाए तो फिर कोई ना कोई चीज़ पसंद आ जाती है इसके अलावा बच्चों ने बर्गर्स वगैरह खाए थे और इस तरह बस चीज़ें ली थी और हम घूम फिर के थोड़ा सा तो घर आ गए थे बस शर्ट का इरादा नहीं था शॉपिंग का इतना लेकिन फिर चले बच्चे हैं तो फिर साथ हों तो कुछ ना कुछ हो ही जाता और ये अथफात में बैठी हुई है चुड़ेल लग रही है अभी बुरी बुरी जिसने मुझे आज इतना तंग किया मॉल में इतना तंग किया और मुझे न, आ, बा, ये 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 ना हमें भाभी बातें सुना रही थी तो ये हर चीज़ को देख के रो रही थी और कह रही थी मुझे ये ले दें वो ले दें इसने मुझे बहुत तंग किया और मैंने तो पक्का बोला कि इसको आइंदा से ले ना ले साथ नहीं ले लेके ले ले। ले जाना मैंने इसको कहीं पे भी अकेले जाना है क्योंकि ये बहुत बदतमीजी करती है और तंग भी बड़ा करती है और आइंदा से मैंने इसका देखा मुंह कितना गंदा इसने किया हुआ बर्गर खा के और पता नहीं क्या क्या कर रही थी तो मैंने पक्का इरादा किया इसको आइंदा से मैंने कहीं नहीं लेके जाना तो यही हमारा छोटो सा व्लाग था इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में दुआ में याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ आ, अल्ला हाफ इस करने के बाद कश्यप साबा नूडल्स बना के ले आई थी आधी रात को उठ के एक बजे मैं उसको बोला अभी तक सो जाओ सुबह स्कूल जाना लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं इसमें इतनी ज़्यादा मिर्ची है ना इसकी वो टिकटॉक पे भी आ रहा था हर जगह ये आ रहा था तो मैंने सोचा चले हम भी ट्राई करते हैं तो उधर से कश्यप ने लिए थे ओए होए ओए होए होए इसमें तो धुएँ निकाल दिए कानों में से बहुत मिर्ची है इसमें भाई मैं तो खा नहीं सकती हूँ ब्लेजिन के नाम से है ये निकनोर का कोई नूडल्स और बड़े ही मिर्ची वाले हैं बाबा मतलब जिस जिस ने खाए ना वो पानी पीने के लिए बाइट को दौड़ा था कश्यप भी मैं भी और आयत भी हम सब पानी के लिए दौड़े थे बाइट और इसके साथ ही मैंट करूँगी इन श्ला फिर मिलेंगे अल्लाह हाफिज़